कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल के अंदर मैंने आपको नेटवर्क के कोर्स की वीडियो के बारे में, अब नेटवर्क के और हम टॉपिक को आगे हम शुरू करेंगे। तो मैंने पिछली वीडियोस में आपको डायनामिक राउटिंग के बारे में बताया था, डायनामिक राउटिंग क्या होती है, स्टैटिक राउटिंग क्या होती है। तो वो दोनों वीडियो जाकर देख लीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि ये राउटिंग क्या होती है, किस तरह से होती है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या है मेन राउटिंग प्रोटोकॉल्स और इसकी मेन राउटिंग अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल्स के बारे में हम समझते हैं। तो वीडियो शुरू करने से मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि कोई भी आप टॉपिक पर तो इसका पहले से ही मैंने जो है इसके और भी जो इम्पोर्टेंट एडवांस टाइप के टॉपिक्स के रिलेटेड जो बेसिक वीडियो होते हैं पिछले वीडियो वो देखोगे तभी ये एडवांस में आपको समझ में आएगा, वरना आपको ये पता नहीं चलेगा। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको बताने के लिए ही मैं आपको ये कह रहा हूँ यहाँ पर। तो सभी वीडियो को पैट वाइज ही देखें वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो यहाँ पर राउटिंग टेक्नोलॉजी, राउटिंग प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से मेन राउटिंग प्रोटोकॉल हैं जो हमें वन बाय वन हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर। ओके, सभी प्रोटोकॉल्स के बारे में आपको समझाऊंगा और इसका प्रैक्टिकल जो है वो मैं सिस्को के कोर्स में समझाऊंगा। तो प्रैक्टिकल का हम जो शुरुआत करेंगे सिस्को के अंदर शुरुआत करेंगे, अभी इसके अंदर नहीं होगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या है हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल, कौन कौन से है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि कौन कौन से हमारे मेन राउटिंग प्रोटोकॉल्स अवेलेबल्स हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि राउटिंग प्रोटोकॉल कौन कौन से हमारे राउटर्स में होते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको YouTube में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है, मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, YouTube ओपन कर लेना है या YouTube की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, YouTube की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालाँकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कन्फ्यूज ना हो। तो इस तरह से अपने चैनल पर आ जाओगे, यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे, वीडियोस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितने भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर नाम से। ओके, तो जैसे ही प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको मिलता रहेगा कॉन्टैक्ट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, इतना माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए, यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि
जितना हो सके मैं इसको कंप्लीटली कम्प्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कौन प्रोडक्ट की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा रहे हैं यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर, विंडो 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है उनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप जैसे थे कि एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी लिखिए, और कंप्यूटर के कब के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्ले लिस्ट है, तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से, अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो तो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेडे लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्यून है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ, तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकते हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो अगर आपके पास पहले से बेसिक काम होना चाहिए, तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो, उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो, सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, इनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। राउटिंग का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था कि कोई भी हम डेटा बेचते तो राउटर जो है वो जानता है कि उसको डेटा कहाँ पर कैसे बेचना होता है, तो वो एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर वो नेटवर्क को वो डेटा को सेंड कर देता है, फिर वो दूसरे नेटवर्क को, फिर वो तीसरे नेटवर्क, ऐसे जो ये प्रोसेस होती है उसको राउटिंग कहते हैं। लेकिन वो जो करता है वो कौन करवाता है, उसके प्रोटोकॉल करवाते हैं, उसे कहते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं।
अब इन राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर मेन राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स बहुत सारे हैं, राउटर के अंदर भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, स्विच के अंदर भी प्रोटोकॉल्स हैं, आपके कंप्यूटर के अंदर भी प्रोटोकॉल्स होते हैं। इनमें से फेमस आपको पता होगा कि FTP, HTTP, HTTPS है, SNMP, IGP, SMTP है, RIP है, NTP है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो ये जो प्रोटोकॉल्स ही होते हैं जो बेसिक में बैकग्राउंड के अंदर हमारा जो है प्रोटोकॉल वर्कआउट करते हैं। तो मैंने आपको समझा दिया था पिछले वीडियो, नेटवर्क के अंदर जाइए और राउटिंग में आपको समझा दिया प्रोटोकॉल क्या होता है। तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी प्रोटोकॉल क्या है, मैंने आपको नेटवर्क की कोर्स के अंदर समझा दिया है, इसी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो नेटवर्क की कोर्स के अंदर मैंने प्रोटोकॉल क्या है ये एक जो वीडियो बना करके अगर आपको वो समझ लोगी तो यहाँ पर आपको ईजी और आसान रहेगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा जो है एक दो लाइन में समझ देता हूँ कि प्रोटोकॉल इस तरह का बैकग्राउंड के अंदर एक रूल्स क्रिएट करता है कि क्या और किसे आपका डेटा जाना चाहिए, और उसी रूल अकॉर्डिंग के थ्रू हम प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम के अंदर हम इसको सेट करके इसकी सर्विसेज सेटअप करते हैं। तो ऐसे लाखों हजारों सर्विसेज है, ऐसे हजारों प्रोटोकॉल से, फाइल्स से, प्रोग्राम से, जो हम अपने हमारे हिसाब के अनुसार यूज़ करते हैं। जैसे कि मेल भेजना है तो SMTP हो गया, अगर मुझे वेबसाइट ओपन है करनी है, वेबसाइट चलानी है तो HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल हो गया, फाइल ट्रांसफ़र करनी है तो FTP हो गया, FTPS हो गया। तो हर चीज़ जो होती है वो अलग अलग अपने लिए हम प्रोटोकॉल और उसके प्रोग्राम शुरू करते हैं। ओके, तो प्रोग्राम जो होते हैं प्रोटोकॉल एक तरह का नाम है, मतलब उसको कहते हैं, लेकिन रियल में एक्चुअली में ये वो होता है प्रोग्राम तरह का, C++, जावा, पाइथन, रूबी, फिर .NET फ्रेमवर्क, बहुत सारे से लैंग्वेज से ये पूरा प्रोग्राम बना हुआ होता है और वो जो है हम अपने सिस्टम में से डालते हैं। ओके, और उसको रन करते हैं। तो जब तक हम राउटिंग नहीं करते तब तक वो प्रोटोकॉल जो है राउटर के अंदर स्टार्ट नहीं होता। तो क्या है ऐसे मेन राउटिंग प्रोटोकॉल्स, उसके बिना स्टार्ट नहीं होते, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो राउटिंग प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल। ओके, मैंने कहा था कि राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो सेट करता है रूल, स्पेसिफाई हाउ राउटर आइडेंटिफाई एंड फॉरवर्ड पैकेट अलोंग नेटवर्क पाथ। तो ये बताता है राउटर को कि राउटर कैसे आइडेंटिफाई करेगा डेटा को और कैसे आगे डेटा आगे भेजेगा उसके रास्ते पर। ओके, तो यही प्रोटोकॉल का काम होता है, मेन चीज़ आपको मैंने समझा दी थी। ओके, तो राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो क्या है, एक तरह का ग्रुप होता है। किस किसके अंदर, दो तरह की डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी के अंदर, एक इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल और एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल क्या होता है, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, ये दो तरह की मेन प्रोटोकॉल इसको माना जाते हैं। बाकी दूसरे जितने भी प्रोटोकॉल है, BGP, IGP, इसी के अंदर काम आते हैं। ओके, तो इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल और एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, इसको बहुत ही बड़ा प्रोटोकॉल की ग्रुप के अंदर बांटा गया है यहाँ पर। तो इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल कौन सा था, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी इसके अंदर प्रोटोकॉल की राउटिंग करवाने वाले कौन कौन से होते हैं वो समझते हैं। ओके, अभी तो व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं हमारे राउटर के अंदर जो हमें उसको कमांड से चलाना पड़ता है, तब जाके हमारा कंप्यूटर के अंदर राउटर या फिर इंटरनेट चलता है, उसके बिना जो है पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है कि कोई भी कंपनी हो, XYZ, एयरटेल हो, वोडाफोन हो, जियो हो, हर कंपनी के राउटर के अंदर राउटिंग करवाना होगा, जो प्रोटोकॉल होता है राउटिंग सेटअप करने वाला, उस प्रोटोकॉल को जब तक आप इनेबल और उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन उसके लिए सेट नहीं करोगे तब तक वो राउटर जो है ऐसे ही रहेगा, वो कोई भी काम नहीं करेगा, कोई भी डेटा सेंड हो या रिसीव हो ट्रांसफ़र नहीं करेगा। ओके, यहाँ तक कि वो अपनी सर्विस भी नहीं दे पाएगा क्योंकि आपने उसके अंदर राउटिंग नहीं किया है, आपने उसको प्रोटोकॉल को जो है एक्टिव नहीं किया, उसकी सेटिंग को सेटअप नहीं किया। तो सेटिंग जो है आधी आपने कर ली लेकिन राउटिंग ही नहीं करवा तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। ओके, तो पहला हम सात तरह की बहुत ही खास तरह की ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में फेमस प्रोटोकॉल्स है, वैसे तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, मैंने पहले भी किया था। तो अभी तो यहाँ पर हम इस तरह के सात तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं,
BSCCNA के अंदर मैं आपको काफ़ी बेहतर तरीके से प्रैक्टिकल कर समझाऊंगा, अभी हम थियोरी बेस समझेंगे। ओके, तो जैसे जैसे मैं आपको बताता चला जाऊंगा वैसे वैसे ये जो है 7 टाइप ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल सेटअप होते जाएंगे। ओके, तो पहला जो होता है RIP शॉर्ट फॉर्म में, और इसका पूरा नाम है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ओके, उसको मैं डिटेल में बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी इतना समझो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल क्या होता है कि एक राउटर दूसरे राउटर की अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करता है और उसकी सेव करने की उसके अंदर ये मेथड रखी हुई होती है कि अगर कोई नया राउटर लगाते हो तो वो क्या करेगा। जैसे आप राउटिंग करवाते हो तो पहला वो इंफॉर्मेशन अपना भेजेगा, फिर वो वहाँ से वो सामने वाले जो राउटर कनेक्ट किए गए हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन लेगा। तो सभी राउटर एक दूसरे की जो अपनी इंफॉर्मेशन और दूसरे राउटर की इंफॉर्मेशन अपने पास रखते हैं, तो ऐसा ये राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल हो गया। ओके, तो ये RIP होता है, इसको मैं और डिटेल में सभी जो है प्रोटोकॉल डिस्कस करूँगा। ओके, तो RIP राउटिंग जो होता है वो हमारे सिस्टम के अंदर जो राउटर होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन और राउटिंग करवाने के लिए हम जो है ये प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, इसको मैं डिटेल में समझाऊँगा। फिर दूसरा होता है इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। ओके, ये एक राउटिंग प्रोटोकॉल ही है, उसको कमांड बेस से इसको कॉन्फ़िगर किया जाता है। जिस तरह से RIP काम करता है ये थोड़ा सा एडवांस में काम करता है। तो इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, उसके अंदर आपको IP और लोकेटेड प्रेफिक्स वगैरह जो है आपको सेटअप करने होते हैं। तो जब मैं इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल आपको सिस्को के कोर्स में समझाऊंगा तब आपको पूरे नॉलेज आ जाएगा। फिर तीसरा है इनहेंसड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। इनहेंस मतलब कि ऐसा गेटवे के अंदर जो आप एक तरह का, जिस तरह से मैंने BGP बोला था कि बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल्स होता है, उसी तरह से ये तीसरा प्रोटोकॉल्स होता है। तो इसको इसलिए बनाया गया था कि गेटवे राउटिंग के जितने भी एक दूसरे से साथ जुड़े हुए गेटवे होता है, तो गेटवे जब जाता है मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर वो डेटा भेजता है तो वो उसकी आइडेंटिटी जो है वो रहनी चाहिए। तो EIGP तरीके से भी आप देख सकते हैं, OSPF ओपन शॉर्टेड पाथ फर्स्ट, ये भी प्रोटोकॉल्स होते हैं। ओके, फिर आता है एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। इन सभी को जो है प्रोटोकॉल्स को आपको जैसे कि BGP गेटवे प्रोटोकॉल्स मैंने आपको के भी दिया था थोड़ा पिछली वीडियो के अंदर, आप देखोगे तो आपको और अच्छी तरह से जानकारी आपको मिल जाएगी। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी जैसे देखिए इमीडिएट सिस्टम टू इमीडिएट सिस्टम, तो ये जितने भी आपको सात टाइप के जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं खास तरह से एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा भेजने के लिए, उसकी ट्रांसफर करने के लिए, डेटा को सेंड रिसीव और भी आपको कम्युनिकेशन में सेटअप रखने के लिए ये राउटिंग प्रोटोकॉल के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो बनाए गए हैं। अब ये जो राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं उनकी बैकग्राउंड सभी राउटर्स में होते हैं, मॉड्यूलर राउटर में तो होता ही, जितने भी बिजनेस राउटर उसके अंदर भी होते हैं, जो भी आप राउटर लेते हो उसके अंदर ये जो है आपको ये प्रोटोकॉल्स मिलते हैं। सिर्फ राउटर के लिए आपको ये चीज़ें जो है ऑन करनी होगी, मतलब कि उसकी सेटिंग्स आपको करनी पड़ेगी। तो सेटिंग का मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली आप कनेक्शन कर दो, यूजर नेम पासवर्ड आपके राउटर में डाल दो, फिर आप IP एड्रेस डालते हो, लेकिन अब दूसरी मेन चीज़ करनी होती है कि राउटिंग करने वाले प्रोटोकॉल को भी हमको जो है ऑन करनी पड़ेगी, स्टार्ट करनी पड़ेगी, तभी जो से ये है आपको स्टार्ट आपका राउटर जो है शुरू होगा। तो हम बात करते हैं कि इसको कैसे करना होता है। तो ये जो सिस्को की CCNA में शुरू करूँगा, तो सिस्को की CCNA कोर्स मैं अब स्टार्ट करने वाला हूँ एक हफ्ते के अंदर ही। तो ये जो है सिस्को की CCNA और CCNA के साथ बहुत सारे और भी मैं जो है वन बाय वन इन सभी का जो है मैं अलग अलग तरह से मैं प्रैक्टिकल करके लाऊंगा, किस तरह से RIP स्टार्ट होता है, IGRP कैसे होता है, EIGP क्या होता है,
अब यहाँ पर ये तो प्रोटोकॉल हो गए, लेकिन उसके साथ बहुत सारे स्विचिंग प्रोटोकॉल। देखिए, राउटिंग प्रोटोकॉल और स्विचिंग प्रोटोकॉल अलग अलग है। राउटिंग का मतलब होता है कि वो जो है एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा को भेजने का काम राउटिंग करवाते हैं। स्विच करने का काम मतलब कि अगर राउटर के पास वो डेटा नहीं है तो वो दूसरे राउटर को सेंड करता है, लेकिन वो पैकेट का एक कॉपी करके भेजता है। ओके, रिक्वेस्ट नहीं भेजता, तो ये होता है स्विच। तो अगर उसके पास नहीं तो वो दूसरी की ओर जाएगा। तो पहले जीवीआरपी है। जीवीआरपी को क्या बोलते हैं, किस तरह से होता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा होता है वॉइस वीलैंस होना। देखिए, वीओआईपी आपको सुना होगा। वीओआईपी हम सब कुछ जो है, अब जितने भी लोग मोबाइल एंड्रॉइड यूज़ कर रहे हो वो वीओआईपी सिस्टम से यूज़ कर रहे हो। आपकी जो वॉइस है वो वॉइस वीओआईपी सिस्टम से जा रही है। तो वी ओ आई पी के अंदर आपकी जो आवाज़ वो एक जगह से उस आदमी तक पहुंचाने का जो काम होता है, तो बीच में जितने भी है वो फाइबर ऑप्टिकल लाइन ऊपर से राउटर्स और वो बहुत सारे डिवाइसेस जुड़े हुए होते हैं। उनमें से एक और डिवाइस होता है जिसको हम कहते हैं टेलीकम्युनिकेशन सर्वर, डेटा सेंटर से उसको बोलते हैं। तो जो आपकी वॉइस होती है वो हर जगह पर हम किसी भी जगह पर हम कॉल करते हैं, स्कैन करते हैं, तो अलग अलग टावर्स के अंदर आपकी जो है लोकेशन फिट हो जाती है। उसका जो डेटा जो है कि आपने किसको कहाँ पर कब कॉल किया था और उसने आपने क्या बात की थी, ये जो है वॉइस विलेन के अंदर भी सेटअप आप कर सकते हो। तो वीओआईपी वगैरह, फिर एमएसटीपी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ओके, तो ये जो है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या होता है कि बहुत सारे राउटर हैं, लेकिन राउटर के नीचे भी बहुत सारे और भी बहुत कनेक्शन करने वाले, यूज़ करने वाले राउटर्स होते हैं। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की तरह ये राउटर भी स्विचिंग करते हैं यहाँ पर। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि पूरे इंडिया के अंदर चार पांच कंपनी है। ओके, जैसे कि BSNL हो गया, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया। ओके, अब ये जितने भी कनेक्शन है एक दूसरे के साथ कब जुड़े होते हैं, BGP के थ्रू और eBGP के थ्रू। ओके, तो BGP बड़ा गेटवे प्रोटोकॉल मतलब कि एयरटेल जानता है कि मेरा पूरा टोटल जो मेरा नेटवर्क है मुझे और दूसरे सिस्टम के अंदर जोड़ना होगा, क्योंकि सीधी सी बात है कि एयरटेल से जियो का कस्टमर कैसे बात करेगा। दोनों अपने जो नेटवर्क कनेक्शन एक दूसरे के साथ करेंगे तभी तो हो पाएगा। अगर एयरटेल ऐसा कहे कि मुझे किसी को भी कनेक्शन नहीं रखना है तो सिर्फ एयरटेल एयरटेल से ही बात कर पाएंगे। एयरटेल यूजर है तो एयरटेल से ही बात करेंगे। जियो को कॉल लगाए तो जियो का कॉल जाएगा ही नहीं। तो ऐसे में कैसे होता है, तो ये जो है OSPF, BGP, EGP, ये जितने भी हैं प्रोटोकॉल्स अपने राउटर के अंदर वो जो है सेटअप करते हैं। जियो भी करता है, एयरटेल भी करता है, सभी जो है ऑलमोस्ट करते हैं। अब ये जो हो गए नेशनल लेवल के हमारे राउटर, लेकिन अब यही राउटर जो है राजस्थान हो गए, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, MP हो गया, जितने भी स्टेट है उनके नीचे ये जो है ट्री की तरह काम करता है। जैसे कि एक मेन राउटर से बहुत सारे और राउटर जुड़े हुए, उससे भी बहुत सारे राउटर जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे में जो है ये स्पैनिंग ट्री की तरह काम करता है। मल्टीकास्ट मैनेजमेंट। देखिए, मल्टीकास्ट मैनेजमेंट क्या होता है कि एक राउटर अगर वो काम नहीं कर, मतलब कि उसके पास काम का कोई डेटा नहीं है, तो वो तीन चार राउटर को एक साथ जो है वो भेजना शुरू करेगा। ओके, तो वहाँ से जिसका पहला कनेक्शन का आ गया, मतलब जिसका पहला आ गया डेटा उसका रिप्लाई, तो वो जो है वो आगे चला जाएगा। लेकिन वो रिप्लाई कैसे होता है, देखिए रिप्लाई डेटा का होता है, जैसे कि लिखा कि www.google.com लिखा, तो मेन ऐसा राउटर है कोई ऐसा इम्पोर्टेंट मल्टीकास्ट मैनेजमेंट राउटर जो होता है, जो एक राउटर से 10 जगह पर राउटर है। तो गूगल क्या करता है, गूगल का राउटर क्या करता है, एक राउटर उसके पास नहीं होता। गूगल के पास बहुत सारे राउटर्स होते हैं, लेकिन उन राउटर्स को एक जगह से दूसरे जगह पर कम्युनिकेशन आपस में करवाने के साथ साथ पब्लिकली भी वो IP एड्रेस रखते हैं, पब्लिकली कम्युनिकेशन भी रखते हैं, जिसके वजह से प्राइवेट, पब्लिक और सिस्टम के नेटवर्क, ये तीनों नेटवर्क जो है वो अच्छी तरह से मल्टीकास्ट और मैनेजमेंट कर सके।
उस तरह से ये चीजें होती है। कपल ऑफ सर्विस दैट स्विचेस इन नेट प्रोवाइडर। ओके, अब क्या होता है ये बहुत सीधी सी बात है कि एक आप इंटरनेट का कनेक्शन लेना चाहते हैं ब्रॉडबैंड का, जैसे कि मुझे BSNL का या तो फिर मुझे एयरटेल का चाहिए, तो वो जो है केबल आ रहा है। ओके, केबल आप निकाल रहे हो इस स्विच में से, तो वो कोई केबल जो है वो डायरेक्ट सीधा राउटर में से आपको नहीं देता, वो सीधा स्विच में से निकाल कर वो देते हैं। ओके, तो जो ये स्विच है या पैच पैनल जो भी है, लेकिन वहाँ से निकल कर आपको देता है। और वही जो है नेटवर्क प्रोवाइडर जो है वो अपनी स्विच जो है राउटर के साथ 24 या 48 या 64 पोर्ट की जो स्विच लगाते हैं। अब एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक सोसाइटीज के अंदर 30 ऐसे घर है, उन तीनों घरों के अंदर जो है 30 घरों के अंदर तीन घर को छोड़कर, तीन घर जो है वो एयरटेल को यूज करते। जियो जो है, जियो क्या करेगा कि 15 घरों में मेरा इंटरनेट जो है वो उन्होंने खरीदा है, ब्रॉडबैंड खरीदा है, तो 15 का 15 कनेक्शन जो है उन स्विच में से निकाल कर उन सभी के घरों में एक 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 केबल का कनेक्शन देना पड़ेगा। तो यही चीज होती है कि नेटवर्किंग प्रोवाइड करनी पड़ती है, नेटवर्क की लाइन जो है आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ये जो है क्या होती है कि स्विचिंग करते हैं राउटर के साथ, की राउटर जो है अपना डेटा स्विच को भी देता है, तभी तो हमारा कम्युनिकेशन होता है। ओके, लेकिन राउटर राउटर से कनेक्ट कब होता है कि जब हमारा कोई डेटा बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर जाता है और उसको एक रूटिंग की तरह काम करवाना पड़ता है। स्विच से हम राउटर के नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, और राउटर से राउटर कनेक्ट करके हम एक गेटवे मतलब एक रास्ता बनाते हैं कि डेटा कहाँ से किस तरह से जाना चाहिए। ओके, ये चीज़ आप समझिए। स्विच फिल्टर आउट डोज ट्रैफिक दैट शुड बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम बीइंग फॉरवर्ड। तो स्विच, अब ये चीज़ मैंने समझी कि स्विच जो है वो बहुत सारे ट्रैफिक होते हैं, बाहर के ट्रैफिक होते हैं, इंटरनल के भी ट्रैफिक होते हैं। तो ये जो है बीइंग फॉरवर्ड, शुरुआत में जितने भी फॉरवर्ड होते हैं वो जितने भी डेटा जो होते हैं वो स्विच आगे जाने का काम करती है, आगे भेजने का काम करती है, उसको कोई रिप्लाई का वो जो है वेट नहीं करती स्विच। ओके, यही मेन चीज़ होती है। स्विच का काम ये होता है कि उसको डेटा मिला आगे भेज दो, लेकिन राउटर ऐसा नहीं करता। राउटर जो है हमेशा उसके पास कोई डेटा आया तो वो एक रिक्वेस्ट भेजता है और वो डेटा का एक आईडी होता है उसकी, वो पेंडिंग होती है जब तक कि उसकी रिप्लाई का जवाब नहीं आता। ओके, ये मेन चीज होती है आपको समझने में। दे प्रिवेंट कोलिजन फ्रॉम बीइंग फॉरवर्ड। ओके, ये जो है क्या होता है कि पीसी की ओर कोलिजन मतलब कि ट्रैफिक या कोई डेटा जो है खराब ना हो, इसलिए शुरुआत से जो डेटा जो है आगे भेजना शुरू होता है यहाँ पर। ओके, तो पीछे का डेटा जो है वो आता रहेगा और आगे चलता जाएगा। ओके, दे ऑल्सो प्रोहिबिट सेंडिंग अहेड फ्रेम्स डेट कंसिस्ट ऑफ एरर। अगर वो सेंड करा हुआ डेटा अलग अलग फ्रेम्स में जाता है, फ्रेम्स में मैंने आपको बात कही थी कि हमारा डेटा जो है वो जाता है सेगमेंट में, सेगमेंट के ऊपर होती है अलग अलग हेडर, उस हेडर के अंदर हमारा आईपी एड्रेस लगा हुआ होता है। सभी जो है राउटर उस आईपी एड्रेस को फॉलो करते करते वो आगे निकलता है। अब जो मेन कॉन्सेप्ट जो एरर जो होती है, वो एरर कब मिलती है कि अगर कोई राउटर का कोई भी रिप्लाई नहीं आता है, वो लास्ट तक पहुंच जाता है, तो वो जो राउटर है वो लास्ट में जो एरर दे देता है कि वो वहाँ से घूमता हुआ सीधा एरर का मैसेज। तो एरर भी राउटर के लिए एक आंसर का काम करता है। ओके, तो कभी कभी आप क्या देख सकती हो कि अंदर वेब पेज नॉट अवेलेबल एरर ऐसा लिखा होता है, इस वजह से चीज होती है। तो राउटर के अंदर जब एरर मैसेज होती है तो एरर मैसेज कैसे सेटअप होती है या फिर आगे जाता है तो कैसे जाता है, यह डिपेंड करता है कि राउटिंग के एल्गोरिथम पर। ओके, राउटिंग के एल्गोरिथम क्या होता है, उसका प्रोग्राम होता है। अब आप कहोगे कि प्रोग्राम क्या होता है, इसका प्रोग्राम सिस्टम सेटअप क्या होता है, तो इसके लिए आपको लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ती है। ओके, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, रूबी, बहुत सारी ऐसे जो है एल्गोरिथम आप बना सकते हो। ओके, तो
हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से शुरू करेंगे कि राउटर एल्गोरिथम क्या होता है। ओके, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू, हैव नाइस नेक्स्ट टाइम। कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक राउटिंग एल्गोरिथम पर हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और हमारा जितना भी सिस्टम जो है, हमने नेटवर्क के बारे में समझाया था, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि हर वीडियो जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। यहाँ पर ओके, तो पिछले वीडियो को देखना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे राउटिंग एल्गोरिथम के टॉपिक पर। देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी है कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए, और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, शादी मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोडिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया है मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारी यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 की यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम मिंत्रा याहू ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, तो बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये पुराने आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉयड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही कि यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।